दोस्तों, अगर आप भी एड फ्लाई में किसी भी यूआरएल को शॉर्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको एड फ्लाई अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है, हो सकते हैं इसके लिए आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो को भी देखे लेकिन उन वीडियो में से कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आया जिनसे कि आप एड फ्लाई अकाउंट बना सके, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा यार। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा किस तरह से आप एड फ्लाई अकाउंट में अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो में नहीं सीखोगे तो आप कोई भी वीडियो में नहीं सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेक फैमिली। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक के बटन पर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा घंटी मिलेंगे, घंटी को भी बजा के और ऑल के बटन पर क्लिक कर दो ताकि टेक फैमिली यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में चले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम। तो दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पर आपको अपना गूगल को खोल लेना है। तो यहाँ पे हम अपना क्रोम ब्राउज़र को सर्च कर लिए और उसके बाद हम गूगल को भी खोल लिए हैं। और यहाँ पे आपको गूगल में सर्च कर देना है एड फ्लाई। तो चलिए हम सर्च करते हैं एड फ्लाई। एड फ्लाई आप सर्च करें, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करते ही काफ़ी सारे वेबसाइट आ जाएंगे, लेकिन जो सबसे फर्स्ट में वेबसाइट है बस आपको उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुके हैं edfly.ly। तो ये जो है edfly का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहीं से जो है edfly पे अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप इसी पे क्लिक करें, जो सबसे फर्स्ट में लिंक है उस पर आप क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा लोडिंग चलेंगे और edfly का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे जो है आपको ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है। आप जब फर्स्ट बार आओगे तो ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप अकाउंट बना लेते हैं और आपके पास जो है ईमेल और पासवर्ड हो जाते हैं तो आप सीधे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट को सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम सिंपल से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं थोड़ा सा अभी लोडिंग चल रहे हैं, ये थोड़ा सा जो लाइन लाइन करके आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अभी एक फॉर्म ओपन हो चुके हैं, यहीं पे आपको अपना पूरी की पूरी जानकारी को फिल करना है। सबसे पहले है नाम और यूज़र नेम, ईमेल आईडी, रीईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद रीपासवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम अपना नाम डालते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं नीतीश और चौधरी। तो यहाँ पे हम हमने अपना नाम लिखे, उसके बाद नीचे में आपको अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट करें। अब यूजर नेम का मतलब क्या होता है, यही पे आके सब लोग लटक जाता है। तो यूजर नेम का मतलब आप कुछ भी यूजर नेम को लिख सकते हैं। यूजर नेम का मतलब होता है आपका एक यूनिक नाम जो कि आपका ही होना चाहिए, आपके सिवाय इस दुनिया में किसी का भी यूजर नेम और नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक नाम होना चाहिए जो आप ही का मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है सिंपली आप लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है नीतीश, तो हम एन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आप कुछ भी अक्षर में लिख सकते हैं, जैसे कि चलिए हम लिख लेते हैं एन और उसके बाद 6 7 और उसके बाद 3 4, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा यूजर नेम। अब यूजर नेम के जगह पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट में आप बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम एक यूनिक नेम होना चाहिए जो कि सिर्फ आपका होना चाहिए, अदरवाइज दुनिया में किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो यूनिक नेम आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको जो है एक ईमेल का ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको जो है अपना ईमेल आईडी को पेस्ट करना होगा। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी को पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, तो दोबारा से जो आप ऊपर में ईमेल आईडी को डाले बस आपको नीचे में भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है शॉर्ट लिंक करके पैसा कमाएं, ये ठीक है, आपको नीचे में ही नहीं डालना है, जो है वैसा ही रहने दें।
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसे आप कुछ ना करें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है। अब पासवर्ड में जो है बहुत सारे लोग जो है गलती कर बैठते हैं। वो क्या गलती होते हैं सो मैं आपको बता रहा हूँ। होता यह है कि जो उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड होते हैं बस वही यहाँ पे भी वे डाल देते हैं, जिनके कारण जो है अकाउंट नहीं बन पाता है। ये दो रीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा है। फर्स्ट है जो यूजर नेम का और सेकंड जो है पासवर्ड का। यही दो कारणों की वजह से है बहुत सारे जो लोग हैं वो अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पासवर्ड में एक यूनिक पासवर्ड खुद से चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डालें। अब अदरवाइज आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल चलिए हम सर्च कर लेते हैं एक पासवर्ड को। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक यूनिक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है, थोड़ा सा भारी, हल्का नहीं थोड़ा सा भारी पासवर्ड, जो किसी को पता न लग पाए बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले दो बड़ा ABCD, दो छोटा ABCD, दो एट द रेट में और दो जो है 1 2 3 4 में, यानी कि नंबर में। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने रखे N, मेरा नाम नीतीश है, तो N और चलिए P, उसके बाद जो है SK, उसके बाद हम और रख लेते हैं और दो माइनस प्लस में, दो हमने छोटा ABCD दो बड़ा ABCD रख दिए। अब जो है हम यहाँ पर कुछ माइनस प्लस में रखेंगे, तो फिलहाल हम प्रतिशत रख लेते हैं और जो इज रख लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो है हम 1 2 3 4 में रखेंगे, तो फिलहाल हम 78 रख लेते, ठीक ना। तो उसके बाद जो है आपको नीचे में वही पासवर्ड यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा जो आपने ऊपर में लिखे हैं। तो चलिए हम अपना लिख लेते हैं NP SK, उसके बाद प्रतिशत इज, उसके बाद 78, ठीक ना। तो ये हमने अपना पासवर्ड कंफर्म कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेंगे। ये कैप्चा हर एक बार चेंज होता रहता है, तो जो आपको दिखे सिंपली आप उसी कैप्चा को यहाँ पे टाइप करें। ऐसा नहीं कि आप मेरे इस कैप्चा को देखें तो आप भी अपना, मतलब कि आप भी यही कैप्चा को ऐड करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो कैप्चा निकल के आते हैं उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। अब यहाँ पर अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अब ब्लू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दूसरा कैप्चा निकल जाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कैप्चा फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्पीकर का बटन मिल जाएंगे, जिस पे आप क्लिक करके इस कैप्चा को साउंड करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना कैप्चा को टाइप कर देते हैं। फ़िलहाल है ECL, तो छोटा ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद एल है, उसके बाद 3UY, तो चलिए हम 3, उसके बाद UY। तो ये मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आपको भी बस कुछ इसी तरह से भरना है। सबसे फर्स्ट में नाम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, रीमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द क्लिक करने, उसके बाद जो है ज्वाइन पे क्लिक करें। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक कर देते हैं तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है। ये जो है लोडिंग से चलेंगे अभी। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो अकाउंट था वो पूरी तरह से बन चुका है। अब ये जो अकाउंट है अभी थोड़े दिन, मतलब कि 3 दिनों के बाद जो है ये कन्फर्म होंगे। उसके लिए जो है आपको इन्हीं ईमेल आईडी पे एक मेल भेजेंगे, जिन पर आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा, तभी आप इसमें अपना अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड डाले हैं उसके द्वारा, मतलब कि लॉगिन करके, और आप उसमें अपना लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है 3 दिन तक वेट करना होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो 3 दिन में वेरीफाई होते हैं। तो सिंपली आप 3 दिन तक वेट करें और उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेल आएंगे तो बस आपको उसी मेल को ओपन करना होगा। और जैसे आप मेल को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपली लिखा रहेंगे कन्फर्म का एक बटन मिलेंगे, जिन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाओगे आप एडफल। तो जैसे आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाओगे एडफ्लाई अकाउंट पे, और आप वहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के और लॉगिन करो। और उसके बाद जो है किसी भी URL को शॉर्ट करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कहीं पे भी शेयर कर दो। बस आपका जो कमीशन है वो एडफ्लाई अकाउंट देते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है आप एडफ्लाई अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके मन में जो कोई भी प्यारा सा कमेंट हो तो वो देना ना भूलें। और वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे टैक फैमिली यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में देखिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा घंटी मिलेंगे, घंटी को भी बजा के ऑल करें। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स वॉचिंग एंड गुड बाय। वंदे मातरम।